नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। दिल्ली से इटावा जा रहे प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटा, जहां 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले प्रवासी मजदूर रात में लॉकडाउन के भय से घर जा रहे थे। आपको बता दें, सुबह ऑटो पलट गया। थाना मखनपुर के NH2 रूपसपुर के पास की घटना बताई जा रही है। घायलों को शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय से सैफई रेफर किया गया है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। शिप्रा जी, क्या मंगवाया था? सर, हम आ रहे थे दिल्ली से, हमारे सामने में अंधेरा छाया और एक गाड़ी वाला हमें मार करके चला गया। हमारी पूरी टेम्पुआ पलट गई सर। टेम्पू से आ रहे थे दिल्ली। आप दिल्ली से टेम्पू कहाँ जा रहे थे? ये इटावा आ रहे थे सर। कहाँ पर पलटा है ये? ये रूपसपुर में पलटा हुआ सर। अच्छा, दिल्ली से इटावा तक टेम्पू से जा रहे थे, क्यों, क्या कारण था ऐसा? सर, बस ऐसे ही पूरी फैमिली थी, इसीलिए चले आए। खुद का टेम्पू था। नहीं, ये क्या करते हैं ये वहाँ पर लोग? आप लोग सर, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस, जैसे अंकल बिजनेस करते हैं। क्या प्रवासी मजदूरी करते हैं? प्रवासी मजदूर हैं हम। लॉकडाउन के चक्कर में, जो कोरोना का काल चल रहा है, इस चक्कर से हम परेशान होकर के, हमारी नौकरी भी बंद हो चुकी है, रोजगार भी बंद हो गया है, 6 बजे तक काम चलता है। इस चक्कर से हम अपने घर जा रहे थे कि अपने घर पहुँच जाएंगे, जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा। इस चक्कर से हम घर आ रहे थे और गाड़ी वाले ने हमें मार दिया और हमारी ये हालत हो गई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आप? 5 लोग घायल हुए हैं। एक ही परिवार के हैं 5 लोग? हाँ सर, नहीं, 2 परिवार के हैं, अलग अलग सदस्य हैं सारे परिवार ही। अच्छा, वहाँ साथ रह रहे सब।